जिलों में बढ़ चुका है यह आंदोलन। एक जत्था एक धड़ा जो है वो वापस लौट चुका है, लेकिन एक धड़ा अभी भी डटा हुआ है, अड़ा हुआ है अपने आंदोलन पर कि वो स्थायीकरण की मांग है उनकी और सरकार से वो इस मांग को पूरी कराना चाहते हैं। हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, अब देखिए बातचीत की कोशिश उस वक्त भी हुई थी जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर खुद पहुंचे थे मोरहाबादी मैदान इन सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत के लिए, लेकिन अब जब एक धड़ा निकल चुका है, उनके आंदोलन को छोड़ चुका है, अब जो लोग बचे हैं वहां पर वो अब आए हैं मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात करने के लिए, यानी कि कोशिशें अब दोनों तरफ से चल रही हैं कि इसका इस समस्या का समाधान तो निकाला जाए। बिल्कुल आरते, देखिए आंदोलन जो है वो थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है इनका, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इनके आंदोलन में वो धार अब नजर नहीं आ रही है, नेतृत्व का भी अभाव है इनके आंदोलन में। इसके बावजूद आज एक फिर से कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, और थोड़ी देर पहले सहायक पुलिस कर्मियों का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो वार्ता के लिए राज्य सरकार के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी वार्ता शुरू नहीं हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद मंत्री जी जब बाहर आएंगे तो उनके बाद बातचीत शुरू होगी। तो एक कोशिश लास्ट की जा रही है, और अभी जो बातचीत इनसे हो रही थी तो उसका लबोलुभाव यही है कि अब ये लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह इस समस्या का समाधान हो जाए, और जो आंदोलन जो बीते 12 दिनों से इनका चल रहा है, ये आज इनका 13वां दिन है, और अब ये भी थक चुके हैं, लिहाजा ये भी चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले और समाधान हो जाए ताकि ये अपने घर वापस लौट जाए। तो इसी को लेकर ये आखिरी एक तरीके की वार्ता आप कह सकते हैं अपनी कोशिश में ये आए हैं। और सरकार ने, आपने देखा होगा जब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर इनसे मिलने मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे, लंबी वार्ता हुई थी इन लोगों के साथ, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो वहां मौजूद थे, बारी बारी से तमाम जिलों के लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना था, और सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था, ये कहा गया था कि इनके सेवा विस्तार को लेकर सरकार तैयार है। जहां तक मानदेय बढ़ोतरी की बात है तो सरकार मानदेय बढ़ोतरी को भी तैयार है, लेकिन इनके तरफ से एक बात रखी गई थी कि मानदेय का जो फिगर होगा वो क्या होगा, सरकार कितना पैसा बढ़ाने जा रही है, इसको लेकर इनकी इच्छा जागरूक चाहते थे कि वो चीजें खुलकर पब्लिक डोमेन में आए, लेकिन सरकार ने कहा कि ये वित्त विभाग का मामला है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही तमाम चीजें होती है। फिलहाल सरकार ने इनको इंश्योर किया था कि आपकी मानदेय बढ़ोतरी का हो मसला हो या आपके सेवा विस्तार का मसला हो, इन दोनों चीजों के लिए सरकार तैयार है, और आज उसी के संदर्भ में ये आखिरी मुलाकात संभवतः आप कह सकते हैं आरती होने जा रही है, जो से थोड़ी देर के बाद होगी, और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो बातचीत से जो चीजें निकल कर आई है आरती, उससे यही लग रहा है कि ये अब आंदोलन को समाप्त करने की एक तरीके से लेकिन एक जो अगर ये संकेत मिल रहे हैं राकेश कि शायद आज आंदोलन खत्म हो जाए, इनका कोई समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन देखिए जो पिछली मुलाकात की अगर हम बात करें, जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पर पहुंचे थे उन्होंने समझाने की कोशिश तो की ही थी, साथ ही जो एक्सटेंशन की बात हुई थी वो भी कहा था, मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी उस पर भी राजी थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत सख्त तेवर में ये कहा था कि हट धर्मता नहीं चलेगी, जिद किसी भी चीज की नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये आंदोलन ही नाजायज है जिस तरह से जो उन्हें मिला था शपथ पत्र उसके मुताबिक। बावजूद इसके अगर सरकार मान रही है तो इसके लिए लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो क्या लगता है अब जब यहां पर मुलाकात होगी तो वो तल्खी नजर नहीं आएगी, क्या उन्हीं बातों को अब मानने को तैयार होंगे वापस ये सहायक पुलिसकर्मी? नहीं नहीं, जहां तक तल्खी की बात है तो सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि आपके नियुक्ति नियमावली में ही पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह के क्लाउजेस रखे थे कि आपको नियमित नहीं किया जा सकता है, आपको रेगुलर नहीं किया जा सकता है, आपकी सेवा बहाली ही 3 साल के लिए हुई थी और 3 साल का जो पीरियड आपका खत्म हो गया है, लिहाजा आप अपने सेवा से वापस आप एक तरीके से हो चुके हैं। तो ये मसला जरूर आया, लेकिन चूंकि नई सरकार है, सरकार को लगता है कि ये झारखंड के ही बच्चे हैं, उनके ही बच्चे हैं, लिहाजा उनकी मांग पर भी सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है और सरकार की पूरी सहानुभूति इनके साथ है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लगातार इनके साथ डायलॉग्स किए जा रहे हैं, इनसे वार्ता की जा रही है ताकि बीच का रास्ता बनाया जा सके और ये अपने घर वापस लौट जाए। तो यही वजह है कि सरकार एक तरीके से तैयार हो गई है इनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और इनके सेवा विस्तार को लेकर।